अगली खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव को भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री भगवान सिंह समेत 6 आरोपियों को दोषी माना है, जबकि 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। मामला 24 साल पुराना है। बैंक के ही एक कर्मचारी सतीश शर्मा ने आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो में शिकायत की थी। बताया था कि महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित गढ़रौली को बिना कोटेशन बुलाए स्टेशनरी सप्लाई का ऑर्डर दे दिया गया है। यह स्टेशनरी करीब 4.5 लाख रुपए की थी। इसकी शिकायत 2004 में की गई थी। लंबी जांच पड़ताल के बाद 2009 में ईओडब्ल्यू ने पूर्व मंत्री भगवान सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि 27 अक्टूबर सन 1998 को बैंक की स्टेशनरी खरीदने का काम बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित गढ़रौली को दिया गया था। तत्कालीन बैंक कर्मचारी सतीश शर्मा ने ईओडी में शिकायत की थी कि संस्था को फर्जी तरीके से स्टेशनरी सप्लाई करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके लिए बैंक ने निविदा आदि आमंत्रित नहीं की। बैंक के ही तत्कालीन कर्मचारी ईशान अवस्थी के खाते में यह रकम ट्रांसफर की गई थी। संस्था के पंजीयन और वर्क ऑर्डर भी लगभग एक ही तारीख को कर दिया गया था। तत्कालीन स्टोर कीपर ईशान चंद अवस्थी, गजेंद्र श्रीवास्तव, महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था की अध्यक्ष शीला गुर्जर तथा संजीव शुक्ला को 4 साल की सजा से दंडित किया गया है। इन पर 90,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव और डी के जैन को हाईकोर्ट से जमानत कन्फर्म कराने के लिए फौरी तौर पर राहत दी गई है, जबकि 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। फरियादी सतीश शर्मा ने एक आवेदन आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो को दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक ईशान अवस्थी स्टेशनरी क्रय एक महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था गढ़रौली से करते हैं, जो कि उनकी परिचित संस्था है। इन तीनों से मिलकर लगातार स्टेशनरी क्रय किया करते थे, जबकि इस संस्था का मूल उद्देश्य स्टेशनरी क्रय करने का नहीं था। इस बात की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान ने की और उसके जो बिल फर्जी पाए, उक्त सभी बिलों को पास करने की अनुमति बैंक के अध्यक्ष भगवान सिंह यादव दिया करते थे। लंबे अंतराल के बाद आज माननीय न्यायालय का फैसला उक्त प्रकरण में आया है। भगवान सिंह यादव और डीके जैन को 3-3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। 4 आरोपी 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।